हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। कक्षा 9वीं की आज इंग्लिश की वर्कशीट है द डक एंड द कंगारू से। तो यहाँ पर पूछे गए हैं 5 प्रश्न। 5ों प्रश्नों के सही उत्तर आप इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द डक रिमूव कंगारूज ऑब्जेक्शन। इसका आंसर है द ऑब्जेक्शन वॉज दैट द डक्स फीट वर कोल्ड फ्रॉम वाटर विच वुड ट्रबल द कंगारू इफ द डक सिट ऑन इट्स बैक फॉर द राइड। द डक सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ। फॉर्चुनेटली ही वॉज कैरिंग अ पेयर ऑफ वुलन सॉक्स विच वुड कीप हिज फिट नीट एंड वॉर्म। दूसरा है हाउ डज द डक रिक्वेस्ट फॉर अ राइड। तो आंसर होगा द डक वॉन्ट्स द कंगारू टू टेक हिम फॉर अ राइड ऑन हिज बैक। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डज द पोएम स्टार्ट। स्टार्टिंग क्या है वो लिखनी है। द डक इज बोर्ड हिज लिटिल पॉन्ड। ही वॉन्ट्स टू गो फॉर अ राइड ऑन द कंगारूज बैक टू सी डिस्टेंट प्लेस लाइक द डी एंड द जेली बोली। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वॉट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी शुड बी कंटेंट विथ अवर लाइफ एंड नेवर ट्राई टू बी जेलस ऑफ वॉट अदर हैव। The duck is discontent with his life and thinks that the kangaroo's life is more exciting and adventurous. Question number 5th है। 5वां प्रश्न देखेंगे। How does the poem conclude? यानी कि इसका क्या निष्कर्ष था पोएम का। लास्ट में देखेंगे। The duck tries to convince the kangaroo to let it ride on its back and take it around the world to experience adventures as it has seen. At the end of the poem, duck manages to convince kangaroo to let him ride on his back in silence. The kangaroo and the duck roam the earth 3 times. तो ये आपका हो गया है 5 प्रश्न। 5ों प्रश्नों के उत्तर आपने इस वीडियो में देख लिए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।